बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यार करने वालों, मेरी बात सुनने वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ थोड़े से मसालों के साथ ये बहुत मज़े की बन जाती है। 500 मेथी है, ये फ्रोज़न मैंने ली है, फ्रेश भी आप आधा किलो ले सकते हैं। तो ये यहाँ फ्रोज़न भी मिलते हैं। आप, मेरा दिल चाह रहा था, मैं कहा चले बना के इसी तरह वो दूसरी भी आप कर सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और ये दूध है 1/2 कप। उसमें मैंने 6-7 स्पाइसी वाली मिर्चें, यानी बहुत हॉट वाली, उसको मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। और ये है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और ये 2 टेबलस्पून भर के देसी घी है। बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी में पकेगी। मैं बताती हूँ कैसे अब करना है। ये मैंने मेथी डाल दी है कढ़ाई में, इसमें बस ये जाएगा, ये जो दूध और हरी मिर्चों का पेस्ट सारा बनाया हुआ था ये बस जाएगा, और ये हल्दी और नमक। और मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी मीडियम फ्लेम पे, 10-12 मिनट मैं इसको कुक करती हूँ। इसका पानी ड्राई हो गया है, इसको मैंने इसके अपने पानी और जो मिर्चे मिला पानी था, दूध था, उसके साथ ही इसको मैंने पकाया है। इसने 15 मिनट लिए हैं और ड्राई हो गया। अब मैं इसमें ये जो मेरा देसी घी था ये डालूँगी इसके साथ, एक मिनट में भून रही हूँ। ये जो मैं आज रेसिपी बना रही हूँ ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, जब मैं यहाँ से पाकिस्तान गई थी वो भी अबू धाबी से आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बना के खिलाई थी, तो इतना मज़ा आया था मैं बता नहीं सकती इससे, क्योंकि इसमें ना प्याज ना टमाटर ना अदरक ना लहसुन कुछ भी नहीं डालता ये आलू मेथी में। तो अब ये मैंने डाल दिया इसमें देसी घी, और साथ ही मैं ये जो आलू हैं कटे हुए ये डाल दूँगी। और मैं इसके साथ इसको भूनूंगी 5 मिनट। इसको 5 मिनट भून के ये आधे इस तरह गल जाएंगे और फिर 5 मिनट का दम दे दूंगी इसको। एक मिनट मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये इंतहाई मज़े की होती है। मिर्चें आपको अगर ग्रीन वाली कम लगे आप और डाल सकते हो, नमक कम लगे आप और डाल सकते हो। और ये कुकिंग टाइम जो है 20 मिनट में ये डन हो जाती है। समटाइम कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसको 2-4 मिनट ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसको आप दे सकते हो। बेसिकली चाहे टाइम इसके टाइम के अंदर अंदर इस चीज़ को चेक करना पड़ता है। अब मैं इसको 5 मिनट भून के तो इसको दम पे लगा दूंगी आलू पकने तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें डन होगी मेथी बड़ी खूबसूरत। कुछ धनिया इसके अंदर डालते हैं, चलिए अब सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत मैंने मेथी आलू का सालन बनाया है, और साथ में लेप और एक्स्ट्रा टच दे के एक्स्ट्रा बटरी। ये देखें आपको मज़ा आएगा आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ये सालन बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।